समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत गठित जनपद स्तरीय जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समिति का अनिवार्य रूप से गठन करें। बैठकों का आयोजन कर बालिका सुरक्षा तथा बाल संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाए तथा बच्चों के नशे की लत से मुक्त कराने के लिए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाए तथा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि बालक एवं बालिकाओं के कौशल विकास के लिए लीड बैंक मैनेजर से संपर्क कर आरसीटी के माध्यम से स्वैच्छिक संस्थाओं में रह रहे बालक बालिकाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाए। डीएम ने किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी सरजीत सिंह, जिला महिला कल्याण अधिकारी सुमन शुक्ला, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य सीमा मुमताज सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जबरदस्ती उसको दबाव बनाते हैं, ये काम आसानी से उस गांव की कमेटी के द्वारा उसी परिवेश में अभी मोटी मोटा कुछ बैठकों के बारे में क्या था सर, ये बैठक की जिला समिति की बैठक है सर, समिति के रूप में बैठक होनी चाहिए सर, होना था सर, किन किन बातों को उसमें प्रमुखता से उठाना है तो उसकी चर्चा में करा था तो भारत सरकार के सहयोग से किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार देख रेख की आवश्यकता एवं संरक्षण करने का कार्य किया जा सके तथा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। बैठक हो रही है, ये हमारी राजकीय योजना मूल रूप से किशोर न्याय अधिनियम धरातल में इम्प्लीमेंटेशन करने और लागू करने के लिए इस योजना का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया। अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय जी हैं, उसके बाद उम्र के विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में उनके हित को देखते हुए नियुक्त किए जाते हैं जिनकी कार्यावधि 3 वर्ष की होती है। ये बोर्ड 18 साल से कम उम्र के बच्चों के संबंध में काम करती है जो कि किसी अपराध में लिप्त होते हैं, आपराधिक घटनाओं से जुड़े होते हैं। जनपद में जनपद स्तर पर बाल कल्याण समिति जो कि ऐसे बच्चे जो परिवार से बिछड़ गए हैं, लावारिस स्थिति में हैं, बच्चे जुड़े हैं उनके पारिवारिक शोषण या समाज के किसी व्यक्ति द्वारा शोषण किया जाता है, ये महिला कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तर पर किया जाता है। वर्तमान में हमारे जनपद में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य कार्यरत हैं, एक पद सदस्य का रिक्त चल रहा है। इसी प्रकार से जिला बाल संरक्षण समिति के माध्यम से जनपद में संचालित गृहों का भी मूल्यांकन इस बैठक के माध्यम से लिया जाता है। अभी हमारे जनपद में 11 संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिसमें से 3 संस्थाएं अनुदानित हैं, बाकी स्वैच्छिक संस्थाएं स्वयं द्वारा संचालित की जा रही हैं। जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जो श्रेणियाँ होती हैं बाल गृह बालक और बाल गृह बालिका, क्योंकि 10-18 वर्ष के बच्चों होते हैं लेवल को भी प्रकार अंतिम गृह है जो कि है जो किसी भी प्रकार के विधि के उल्लंघन के में निरुद्ध किए जाते हैं और इन संप्रेक्षण गृहों में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के अनुसार ही बच्चों को आवासित कराया जाता है। और इसके बाद जनपद स्तर पुलिस योजना के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है और सभी जनपद के थानों में 2 बाल कल्याण अधिकारी नामित किए गए हैं जो कि बच्चों के सर्वोत्तम हित और उनके संबंध में मामलों की को देखते हैं। इसी क्रम में इसी के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय का कुछ दायित्व है जो कि बिंदुवार निर्मित है। इसमें समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर द्वारा जनपद स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना की गई, जिनके दायित्व इस प्रकार से हैं: जनपद गृहों, शिशु गृहों, दत्तक ग्रहणों, विशेष ग्रहण गृहों का भ्रमण एवं आवासित बच्चों के काउंसलिंग कर उनके घर का पता लगाने का प्रयास करना तथा ज्ञात पता ज्ञात होने पर घर को जाने की कार्रवाई करना। वहाँ पे एक अध्यक्ष और 3 मेंबर 4 लोग चार्ज नहीं है, नहीं है। कितने पेंडिंग है?
पेंडिंग है, 1663 उम्र निर्धारण के लिए चल रहा होगा मैक्सिमम, तो तो दो महीने में 0-0 डिस्पोजल, एक महीने में 3 डिस्पोजल, क्या जुलाई में 0 है, जून में 3 है, मई में 0 है, सर।